राजस्थान में करीब एक महीने से चली आ रही सियासी संकट अब खत्म होने के कगार पर है। 15वीं राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र शुक्रवार यानी 14 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले पार्टियों के बैठकों का दौर जारी है। आज यानी गुरुवार को जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक चल रही है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं। वसुंधरा राजे राज्य में करीब एक महीने से चले राजनीतिक संकट के बाद पहली बार राजधानी पहुंची। इस बैठक में 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, तो दूसरी ओर दिल्ली से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे, जहां उनकी अगुवाई में कांग्रेस विधायक दलों की बैठक होनी है, जिसका मूल उद्देश्य दोनों गुटों को साथ लाना होगा। बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र को लेकर जुलाई महीने के आखिरी में आदेश दिए थे। राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उम्मीद जताई है कि उन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग मिलेगा। 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए अशोक गहलोत के खेमे वाले कांग्रेस के विधायक जयपुर लौट आए हैं और अब भी एक होटल में ही रहेंगे। वहीं गहलोत ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर कहा था कि भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो, यही प्रदेशवासियों और लोकतंत्र के हित में है। विधानसभा सत्र से पहले सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि 14 अगस्त को विधानसभा शुरू हो रही है, मुझे उम्मीद है इस दौरान प्रदेश में कोरोना की स्थिति, लॉकडाउन के बाद आर्थिक रूप से जो स्थिति बनी है उसे लेकर खुलकर चर्चा कर सकेंगे। मुझे विश्वास है सुशासन देने में पक्ष विपक्ष सभी का सहयोग मिलेगा, प्रदेश की जनता में नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसके अलावा बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ आज सुनवाई करेगी। इस मामले में मंगलवार को बहस हुई थी, लेकिन वो अधूरी रह गई थी। भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने इस विलय को चुनौती दी है। बसपा के 6 विधायकों के शामिल होने के बाद कांग्रेस को राज्य विधानसभा में बहुमत कायम रखने में मदद मिली थी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने बताया कि बहस अधूरी रही और मामले पर फिर 13 अगस्त को अगली सुनवाई है। याचिकाकर्ता ने 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने को चुनौती दी है और इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।